हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फिनवेशिया। आज हम देखेंगे फिनवेशिया बैक ऑफिस के कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने फिनवेशिया की वेबसाइट ओपन कर ली है। उसके बाद हम ऊपर की ओर मेन्यू में लॉगिन पर जाएंगे और वहां पर बैक ऑफिस पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे फिनवेशिया बैक ऑफिस का एक लॉगिन पेज ओपन हो गया है। यहां हम क्लाइंट लॉगिन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर में हम यहां करंट ईयर ही रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लाइंट कोड डालेंगे और फिर पासवर्ड डालेंगे। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट योर पासवर्ड पर क्लिक करके न्यू पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। हम फिनवेशिया बैक ऑफिस में सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। यहाँ हम सबसे पहले जाएंगे क्लाइंट प्रोफाइल पर। क्लाइंट प्रोफाइल में आप क्लाइंट की डिटेल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट कोड, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग डेट, नॉमिनी नेम, पैन और मोबाइल नंबर, डीपी आईडी और अकाउंट नंबर और फादर और मदर नेम। इवन कि यहाँ आप क्लाइंट बैंक डिटेल्स भी देख सकते हैं। यहाँ आपको प्राइमरी बैंक डिटेल ही दिखाई देगी। उसके बाद चेंज पासवर्ड में आप अपना बैक ऑफिस का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जहां आपको अपने पासवर्ड की मिनिमम लेंथ 4 और मैक्सिमम लेंथ 10 करेक्टर होनी चाहिए। उसके बाद लॉगआउट पर क्लिक करके आप अपने बैक ऑफिस से बाहर आ जाएंगे। अब हम आ गए हैं बैक ऑफिस के डैशबोर्ड पर, जहां आप सिंगल स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में फाइनेंशियल समरी देख सकते हैं, जहां आपको सभी सेगमेंट्स में लेजर बैलेंस, लेस मार्जिन, नेट बैलेंस और अनक्लियर चेक की डिटेल्स दिखाई देगी। उसके बाद हम ऊपर की ओर सेलेक्ट सेगमेंट पर क्लिक करेंगे, जहां आप सेगमेंट वाइज अपनी डिटेल्स देख सकते हैं, जिनमें कैपिटल, कमोडिटीज, करेंसी और CDSL दिए गए हैं। एग्जांपल के लिए हम कैपिटल सेगमेंट पर क्लिक करेंगे। यहां आप क्लाइंट प्रोफाइल, फाइनेंशियल, बिल्स, रिपोर्ट्स, डीमैट और MIS की डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्विक रिपोर्ट में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नोट्स पर क्लिक करेंगे, जहां आप सेगमेंट वाइज किसी भी डे का कॉन्ट्रैक्ट नोट व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट देखने के लिए आपको डेट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डालनी है और व्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हम जाएंगे CM सेगमेंट के नेट पोजीशन पर। यहाँ आप सेटलमेंट और ऑन डेट रेंज बेसिस पर रिपोर्ट को व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे FO सेगमेंट नेट पोजीशन पर। यहाँ आप ट्रेड डेट डालकर अलग अलग तरह से फिल्टर लगाकर रिपोर्ट को व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डीमैट होल्डिंग बेनिफिशियरी प्लस डिपॉजिटरी पर क्लिक करेंगे, जहां आप अपनी होल्डिंग डिटेल्स को व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनेंशियल LGR यानी फाइनेंशियल लेजर में आप अपना लेजर रिक्वायर्ड फील्ड पर चेक्स लगाकर व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं।
क्लाइंट डिटेल मार्जिन रिपोर्ट में आप करंट मार्जिन के लिए रिपोर्ट को व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ग्लोबल रिपोर्ट में आपको क्लाइंट डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, फाइनेंशियल लेजर, कंबाइंड होल्डिंग और कंबाइंड ओपन पोजीशन रिपोर्ट देख सकते हैं। और लास्ट में आप लॉन्ग टर्म / शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आप जॉबिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑल टैक्सेस और क्लाइंट नेट प्रोफाइल, क्लाइंट नेट प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। तो यह था एक ब्रीफ ओवरव्यू फिनवेशिया बैक ऑफिस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस प्लीज कॉन्टेक्ट अस।